हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे होटल ट्रांसिल्वेनिया का फोर्थ पार्ट। इसके पहले के पार्ट भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप कोई मूवी पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी के शुरू में हम ड्रैक की लाइफ के पुराने पलों को देखते हैं, जहां वो अपनी बेटी को बड़ा करने के साथ साथ अपने कैसल को एक शानदार होटल में बदल देता है। जल्द ही मैविस बड़ी हो जाती है और उसका लाइफ पार्टनर बनता है जोनी नाम का एक नॉर्मल लड़का, जिसे ड्रैक बिल्कुल पसंद नहीं करता। आज ड्रैक के होटल की 125वीं एनिवर्सरी है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया भर से मॉन्स्टर्स आए हैं। आगे हम सबको पार्टी करते हुए देखते हैं, जिसकी सारी तैयारियां जोनी ने की थी और ड्रैक को यकीन था कि जोनी की प्लानिंग फेल होने वाली है। होता भी बिल्कुल वैसा ही है और जल्दी ही पार्टी में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। ड्रैक सबको फ्रीज करके सब कुछ ठीक करता है और बताता है कि आज रात को वो एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला है। आगे वो अपनी वाइफ एरिका से बात करता है और पता चलता है कि वो रिटायर होने की सोच रहा है और होटल की जिम्मेदारी मैविस और जोनी को देने वाला है, लेकिन इस बात को लेकर उसके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। मैविस अपनी पावर से उसकी बातें सुन लेती है और एक्साइटेड होकर ये सब जोनी को बताती है। जोनी भी ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि शायद ड्रैक उसे फैमिली नहीं समझता। मैविस उसे समझाती है कि वो भी इस फैमिली का एक पार्ट है और शायद इसीलिए ड्रैक ने इतना बड़ा फैसला किया है। जोनी ड्रैक को थैंक्स बोलना चाहता है, लेकिन मैविस उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि इससे ड्रैक का सरप्राइज खराब हो जाएगा। जोनी खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक्साइटमेंट में ड्रैक के पास पहुंच जाता है, जो अपनी स्पीच की तैयारी कर रहा था। वहां वो उसे अपने प्लान्स बताता है कि कैसे वो होटल को एक नया लुक देना चाहता है, और ये सब इमेजिन करके ड्रैक डर जाता है। उसे लगता है कि शायद जोनी उसके होटल को बर्बाद कर देगा और ये सोचकर उसका मन बदल जाता है। वो जोनी को बताता है कि मॉन्स्टर कानून की वजह से होटल की जिम्मेदारी एक इंसान को नहीं दी जा सकती, और ये सुनकर जोनी उदास हो जाता है। आगे स्पीच में भी ड्रैक अपने प्लान्स बदल देता है और ये सुनकर एरिका और मैविस को भी बहुत हैरानी होती है। वो दोनों उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैक बहाना बनाकर पार्टी से निकल जाता है। इधर जोनी को लगता है कि ये सब उसी की गलती है और अगर वो मॉन्स्टर होता तो मैविस का होटल चलाने का सपना पूरा हो सकता था। उसकी बातें वहाँ बैठा वैन हेल्सिंग सुन लेता है, जो एक पुराना मॉन्स्टर हंटर और एरिका का डैड है, और कहता है कि वो इसमें जोनी की मदद कर सकता है। वो उसे अपनी लैब में लाता है और एक रेगन दिखाता है, जिसकी मदद से इंसान को मॉन्स्टर और मॉन्स्टर को इंसान बना सकते हैं। वो लोग उसका टेस्ट एक गिनी पिग जीजी पर करते हैं, जो देखते ही देखते एक छोटे से मॉन्स्टर में बदल जाता है। जोनी उसे खुद को एक भयानक मॉन्स्टर बनाने को कहता है, लेकिन वैन बताता है कि ये सब प्लान नहीं किया जा सकता और उसे भी नहीं पता कि वो कैसा मॉन्स्टर बनने वाला है। उस रे के लगते ही जोनी बदलना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। उधर एरिका और मैविस से छुपते हुए ड्रैक को किसी के गुर्राने की आवाज आती है और वो चेक करने नीचे लैब में जाता है, जहां उसे मॉन्स्टर बना हुआ जोनी दिखाई देता है। जोनी उसे अपना नया रूप दिखाता है और बताता है कि ये सब वैन की रेगन से हुआ है। फिर वो कहता है कि अब ड्रैक उसे अपना होटल दे सकता है और खुश होकर ये बात मैविस को बताने जाता है। ड्रैक को पता है कि मैविस इससे बहुत नाराज होने वाली है और वो रेगन से जोनी को वापस इंसान बनाने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में एक रे पार्टी में बने फाउंटेन से टकराती है और उसकी पावर से सारा पानी ग्रीन हो जाता है। जोनी का बेटा डेनिस भी उसे मॉन्स्टर रूप में देख लेता है, लेकिन ड्रैक उसे हिप्नोटाइज करके सब कुछ भूलने को कहता है। एक जगह गन से निकली रे गलती से ड्रैक को ही लग जाती है और वो ड्रैकुला से इंसान में बदल जाता है। इंसान बनने से उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं और मुरे किसी तरह उसे बचाकर नीचे ले आता है। उसके दोस्त उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत हैरान होते हैं और ड्रैक भी इस बात से बहुत दुखी होता है। वो रेगन से खुद को ठीक करने की सोचता है, लेकिन पता चलता है कि वो टूट चुकी है। तभी मैविस को आते देख वो जोनी से तुरंत वैन के पास चलने को कहता है और अपने दोस्तों को भी मैविस से ये सब छुपाने को कहता है। वैन उन्हें बताता है कि गन पर लगे क्रिस्टल को ठीक नहीं किया जा सकता और उसके पास ऐसे और क्रिस्टल्स नहीं है। फिर वो उन्हें मैप पर बनी एक लोकेशन दिखाता है, जो साउथ अमेरिका के जंगलों की है, और बताता है कि वहाँ एक गुफा में उन्हें ये क्रिस्टल मिल सकता है, लेकिन ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ड्रैक जोनी के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता है और अपने दोस्तों को मैसेज करता है कि उन्हें किसी भी तरह ये बात मैविस से छुपानी होगी। उसके दोस्त फाउंटेन के ग्रीन पानी को शरबत समझकर पी जाते हैं और रेगन की पावर उन्हें भी इंसानों में बदलने लगती है।
मूरे एक बूढ़ा इजिप्शियन आदमी बन जाता है, फ्रैंक बन जाता है एक हैंडसम लड़का, वेन के वुल्फ वाले बाल झड़ जाते हैं, ग्रिफिन जो इनविजिबल था अब दिखने लगता है और ब्लोब एक जैली में बदल जाता है। मैविज अपने डैड को ढूंढते हुए उनके रूम में आती है, जहां उसे होटल की चाबी के साथ एक लेटर भी मिलता है। लेटर में लिखा है कि ड्रैक अपना होटल उन्हें देने वाला था, और ये पढ़कर मैविज समझ जाती है कि जरूर किसी प्रॉब्लम की वजह से ड्रैक ने ऐसा नहीं किया। आगे उसे डेनिस और विनी दिखते हैं और उनकी हालत देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ड्रैक और जोनी भी एक प्लेन से निकल पड़ते हैं और जल्दी ही साउथ अमेरिका पहुँच जाते हैं। पहली बार धूप में आने से ड्रैक की आंखें जलने लगती हैं और वो ट्रैफिक के बीच फंस जाता है। जोनी ड्रैक को किसी तरह वहाँ से बचा लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इधर होटल में जीजी भी बदलने लगता है और वैन देखता है कि वो अचानक से बहुत बड़ा और खतरनाक हो गया है। ड्रैक के दोस्त खुद को छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही मैविस और बाकियों को उनका सच पता चल जाता है। तभी वो न्यूज में ड्रैक और जोनी को देखते हैं और मूरे गलती से मैविस को सारी बात बता देता है। वो अपने डैड को फोन करती है, लेकिन ड्रैक डर के मारे उसका कॉल अटेंड नहीं करता। फिर हम उन्हें जंगल में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहां एक नॉर्मल इंसान बनने के कारण ड्रैक को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ जोनी अपने नए रूप को बहुत इंजॉय करता है और वो दोनों खतरनाक रास्तों से होते हुए गुफा की ओर बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही ड्रैक की हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन वो देखता है कि अभी उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आगे उन्हें एक लेक दिखाई देती है और जोनी के मना करने के बावजूद ड्रैक उसमें कूद जाता है। वहाँ उसका सामना कुछ पिराना मछलियों से होता है और इससे उसे काफी चोटें आती हैं। तभी मैविस एक बार फिर उसे कॉल करती है और घबराकर ड्रैक अपने फोन को पानी में फेंक देता है। मैविस एरिका के साथ वैन से मिलने आती है, जहाँ उनका सामना जीजी से होता है। वो एरिका की मदद से जीजी को एक पाइप में बुलाती है और फिर दूसरे पाइप से एक लूप बनाकर उसे उसमें कैद कर लेती है। फिर वो एरिका का शिप लेकर नॉर्थ अमेरिका जाते हैं और हम देखते हैं कि उनके मॉन्स्टर फ्रेंड्स भी उनकी मदद करने आए हैं। जल्दी ही वो लोग जंगल तक पहुंच जाते हैं और एक गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। मैविस अपने बैट रूप में आती है और अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से उसे उनका पता चल जाता है। इधर रेडार खराब होने की वजह से जोनी और ड्रैक गलत रास्ते पर आ जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर ड्रैक जोनी से लड़ने लगता है। इसी चक्कर में वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और ड्रैक देखता है कि जोनी के पास उड़ने के लिए विंग्स हैं। उसके समझाने पर जोनी अपने विंग्स को फ्लैप करने लगता है और देखता है कि वो उड़ने लगा है। तभी उसे ड्रैक का ध्यान आता है और इससे पहले कि वो जमीन से टकराए, जोनी उसे जाकर बचा लेता है। रात को वो लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां ड्रैक को परेशान देखकर जोनी उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें चीजों में बुराई की जगह अच्छाई ढूंढनी चाहिए और उसे एक मार्शमेलो का एग्जांपल देता है, जो ऊपर से हार्ड लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। ड्रैक भी उसकी बात समझ जाता है और जोनी को होटल ना देने की सच्चाई बताने लगता है। तभी वहाँ मैविस और बाकी मॉन्स्टर्स आते हैं और मैविस जोनी को इस रूप में देखकर बहुत खुश होती है। ड्रैक भी देखता है कि उसके दोस्त इंसान बन चुके हैं और वो लोग उसे सारी बात बताते हैं। मैविस जोनी से खुद को बदलने का रीजन पूछती है और यहाँ उसे ड्रैक के झूठ का पता चलता है। ड्रैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोनी को उसके इस झूठ से बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ड्रैक अभी भी उसे अपनी फैमिली नहीं समझता और गुस्से में वो और बड़ा हो जाता है। फिर वो जंगल की ओर चला जाता है और मैविस एरिका से क्रिस्टल ढूंढने को कहकर उसके पीछे जाती है। इधर एरिका ड्रैक को जीजी के बारे में बताती है और उन्हें लगता है कि जल्द ही जोनी और खतरनाक हो जाएगा। वो रडार के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ उनके सामने एक नदी आ जाती है और हम देखते हैं कि एरिका ने अपनी कार को एक बोट में बदल दिया है। नदी के रास्ते होते हुए वो लोग उस गुफा तक पहुंच जाते हैं और ड्रैक को वैन की वार्निंग याद आती है, जिसमें उसने बताया था कि ये जगह बहुत खतरनाक है। तभी उनकी कार एक वाटरफॉल से नीचे गिर जाती है और वो लोग वोल्केनो और गिरने वाले पत्थरों से बचते हुए एक छोटे से होल तक आते हैं। ड्रैक सबको वहीं रुकने को बोलकर अकेले ही अंदर जाता है और देखता है कि ये पूरी जगह क्रिस्टल से भरी हुई है। इधर मैविस देखती है कि जोनी अब बहुत बड़ा हो चुका है और वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। पहले तो जोनी उसे पहचान जाता है, लेकिन अचानक ही वो अग्रेसिव होने लगता है। वो कहता है कि मुझे वैम्पायर से नफरत है और गुस्से में मैविस पर हमला करता है। तभी मैविस को एरिका का कॉल आता है और वो बताती है कि उन्हें क्रिस्टल केव मिल चुकी है। मैविस जोनी का ध्यान अपनी ओर खींचती है और अपने पीछे लगाकर उसे केव की ओर ले जाती है। उधर ड्रैक और उसके साथी उस क्रिस्टल को ढूंढते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो सब अलग हो जाते हैं।
मैविस भी केव के पास पहुंच जाती है और देखती है कि जल्दी ही सूरज उगने वाला है। तभी उसे सामने केव में जाने का रास्ता दिखाई देता है और वो किसी तरह जोनी से बचते हुए उसके अंदर चली जाती है। वो उसे वही रुकने को कहती है और हम देखते हैं कि जोनी और भी बड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। केव में मैविस को ड्रैक मिलता है और वो उसे बताती है कि हमें जल्दी से उस क्रिस्टल को ढूंढना होगा। तभी वो देखते हैं कि जोनी केव की दीवार को तोड़ रहा है जिससे वहाँ क्रिस्टल गिरने लगे हैं। सभी लोग खुद को बचाकर भागने लगते हैं और तभी ड्रैक सामने एक रेड क्रिस्टल देखता है। मैविस भी उसे देख लेती है और ड्रैक से रेगन लेकर उसे लेने चली जाती है। फिर वो क्रिस्टल को गन में लगाकर जोनी को नॉर्मल बनाने जाती है, लेकिन दीवार में बने होल से वहाँ सनलाइट आने लगती है। तभी फ्रैंक आकर उसे बचा लेता है और मैविस को एक ऐसी चट्टान दिखती है जहाँ से वो जोनी को ठीक कर सकती है। फ्रैंक और बाकी मॉन्स्टर उसकी वहाँ पहुँचने में हेल्प करते हैं और वो रेगन को जोनी पर शूट करती है, लेकिन देखती है कि इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। जोनी केव के अंदर आ जाता है और ये देखकर ड्रैक खुद उसे रोकने जाता है। जोनी उसे पकड़ लेता है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे मार डालेगा। तभी ड्रैक एक मार्शमेलो निकालता है और उसे बताता है कि वो अब उसकी बात समझ चुका है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम भी इस मार्शमेलो की तरह अंदर से बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें दिल से अपनी फैमिली मानता हूँ। ये सुनकर जोनी के अंदर की अच्छाई जाग जाती है और वो ड्रैक को गले से लगा लेता है। मौका देखकर मैविस उस पर रे शूट करती है और वो एक बार फिर इंसान बन जाता है। आगे हम उन सबको वापस होटल जाते हुए देखते हैं जहां जोनी रेगन से सभी को अपने रूप में वापस ले आता है। ड्रैक भी फिर से वैम्पायर बन जाता है और मैविस और जोनी को बताता है कि अब वो अपना वादा पूरा करने वाला है। तभी उसकी नज़र अपने होटल पर पड़ती है जो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो देखते हैं कि ये सब जीजी का काम है जो बहुत बड़ा बन गया है। गुस्से में ड्रैक उसे रेगन से शूट करता है और जीजी एक बार फिर नॉर्मल हो जाता है। जोनी मैविस और बाकी लोग भी नीचे आ जाते हैं और वहाँ उन्हें डेनिस और बाकी मेंबर्स मिलते हैं। तभी वो देखते हैं कि ड्रैक बहुत उदास है और वो उसे समझाते हैं कि हम होटल को फिर से पहले जैसा बना लेंगे। तब ड्रैक फाइनली उन्हें वो चाबी दे देता है और कहता है कि अब से इस होटल की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम जैसे चाहो इसे बना सकते हो। आगे का सीन एक साल बाद का है जहाँ होटल ट्रांसिल्वेनिया की रीओपनिंग सेरेमनी है और ड्रैक देखता है कि ये बिल्कुल पहले जैसा बन गया है। एंड सीन में हम उसे अंदर जाते हुए देखते हैं जहाँ वो अपने होटल को एकदम नए रूप में पाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।